जी हाँ, हिंदुस्तान 17वीं शताब्दी का वह हिंदुस्तान जब मुगलों का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। सन 1615 में एक व्यापारिक कंपनी के मुखिया ने बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर होकर फर्शी सलाम किया। आगे चलकर यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। वह अंग्रेज था, थॉमस रो। वह भारत में व्यापार करने की अनुमति की भीख मांगने आया था। आखिर क्यों ना आता? भारत के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ उसकी आर्थिक संपन्नता पर सारे विश्व की ललचाई निगाहें गड़ी थी। राम सीता और रामायण का भारत, राधा कृष्ण और गीता का भारत, गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी का भारत, नीलगिरी अरावली और हिमालय का भारत, जहां मंदिर मस्जिद और शिवालय से उठते भक्ति के स्वर आसमान से बातें करते थे, तथा जिसके सुख एवं समृद्धि की स्वर्णिम चमक के यशोगान की महक से सारा विश्व महक रहा था, जहां सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां डाल डालते सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तेरा वो भारत।
और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा।